हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे वनीला स्पंज केक जो बना है आटे से बिना मैदा के। बहुत ही हेल्दी केक है। मैं हूँ माधवी और माधवीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे से बना हुआ ये वनीला स्पंज केक जो सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट और स्पंजी बनता है, काफ़ी हेल्दी भी होता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आटे से बने हुए वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूँ, तो दोस्तों ये मैं आप सभी के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको 100% पसंद आने वाली है। सुपर इजी रेसिपी है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों देरी किस बात की, आइए झटपट स्टार्ट करते हैं बनाना ये वनीला स्पंज केक। तो सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस करके रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसमें, और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें 1 चम्मच मैदा इस तरह से डालकर चारों तरफ केक टिन को डस्ट कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से जो केक टिन हमारा है वो रेडी हो जाएगा केक बेक करने के लिए, और इससे जो केक है हमारा केक में चिपकेगा भी नहीं। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप केक टिन में इस तरह से आप बटर पेपर को सर्कल में कट करके डाल सकते हैं, और इसे एक बार और ग्रीस कर लीजिए। और बटर पेपर के अलावा आप कोई भी सिंपल पेपर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं यूज़ कर रही हूँ, या मैंने नोटबुक से एक पेपर लेकर उसे कट कर लिया सर्कल में और उसे यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपको इस तरह से पेपर यूज़ नहीं करना है तो आप मैदा डस्ट करके भी केक टिन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पेपर को भी मैंने एक बार ग्रीस कर लिया और ये हमारा केक टिन अब रेडी है। आइए अब हम एक पैन को प्रीहीट कर लेते हैं। पैन में एक स्टैंड रखेंगे इस तरह का, अगर स्टैंड नहीं है तो कोई छोटी प्लेट रख लीजिए, और इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे प्रीहीट कर लेंगे। आइए अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 कप रेगुलर चीनी, आप इसकी जगह पाउडर्ड शुगर या चीनी को ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप वार्म मिल्क। ये मिल्क थोड़ा सा वार्म है, जिसे हम लुक वार्म बोलते हैं ना, ये मिल्क वैसा ही है, हल्का सा वार्म है। तो वार्म मिल्क मैंने इसलिए लिया है कि मैं जो ये चीनी यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये इसमें तुरंत डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आप इसमें पाउडर्ड शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वार्म मिल्क की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रूम टेम्परेचर पर मिल्क यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो हमारी चीनी है वो मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसमें अब हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और फिर से इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसकी जगह कोई स्पून या फोर्क भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा झाग भी दिख रहा होगा, तो ये मिक्सचर परफेक्ट है, इसी तरह से हमें बनाना है, इससे हमारा जो केक है वो स्पंजी बनता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, ये हमारा वेट इन्ग्रीडियंट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप और 1/4 कप आटा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यहाँ मैं बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपने केक में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 या 2 पिंच बेकिंग सोडा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होता है ना, जो बेकिंग पाउडर है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाता है, इससे हमारा जो केक है वो स्पंजी बनता है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, हमें बहुत ही ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं कर देना है बैटर को, नहीं तो हमारा जो केक है वो फूलेगा नहीं। हल्के हाथों से हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करना है बैटर को। इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस, ये लेमन जूस जो है हमारे आटा केक को और भी स्पंजी बनाएगा। तो आप देख सकते हैं लेमन जूस डालते ही जो बैटर है वो और भी ज़्यादा फ्लफी हो गया है और वाइटिश भी हो गया है। तो ये हमारा बैटर रेडी है, बिल्कुल लंप नहीं है इसमें, और एकदम स्मूथ बैटर है, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, रिबन वाली कंसिस्टेंसी है बैटर की। तो बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने केक टिन में, केक टिन को 2-3 बार टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। और केक टिन को हम इमीडिएटली रखेंगे प्रीहीट किए हुए पैन में, और इस पर हम डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल या वाइट सेसमी हम इसे बोलते हैं। और
आप चाहें तो इस पर अपनी पसंद का कोई भी चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। और इसे हम ढककर बेक होने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए। और या आप अगर ओवन में बेक करें तो इसे 180 डिग्री पर बेक कीजिए 30 मिनट के लिए। ये देखिए 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो केक हमारा साइड से अच्छे से पक गया है। एक बार इसे नाइफ से चेक करेंगे, नाइफ को सेंटर में डालेंगे केक का। आप देख सकते हैं नाइफ पे थोड़ा सा बैटर लगा हुआ है, मतलब केक हमारा ठीक से बेक नहीं हुआ है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं केक को। केक ने साइड्स छोड़ दी है केक टिन की, मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए नाइफ भी क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया है। अब हम केक को निकाल लेंगे पैन से। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल केक हमारा बनकर रेडी हुआ है, काफी अच्छा कलर भी आया है। इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए 1 घंटे बाद हमारा केक जो है वो ठंडा हो गया है। आइए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक की साइड्स को इस तरह से लूज कर लेंगे नाइफ से। और अब हम केक को एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल केक हमारा बनकर रेडी हुआ है, काफी अच्छे से बेक हुआ है और इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा आया है। जो पेपर है ये इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा केक बना है हमारा, देखने से ही लग रहा है कि काफी स्पंजी बना है। आटे से बना हुआ वनीला स्पंज केक रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। आपको इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक है। तो आटे से भी इतना स्पंजी केक हम बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्पंजी टेक्सचर है केक का। तो आप देख सकते हैं आटे से काफी स्पंजी केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे आइसिंग के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप अपनी फेवरेट आइसिंग बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपको मैं इसे सामने से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर की जाली जो बनी है, काफी एरी और स्पंजी बना है केक हमारा। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी आने वाली रेसिपीज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।